देखिए, चाचा और भतीजे की लड़ाई बिहार में आप सबने देखी है। जिस तरीके से चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान के दफ्तर और बंगले को खाली करवाए थे और उन्हें सड़क पर लाकर छोड़ दिया था, अब चिराग पासवान की बारी है और चिराग पासवान के पार्टी पर और खुद चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि चिराग पासवान के पास 5 सांसद आने के बाद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के पास पावर आ गया है। बिहार में उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है और यही कारण है कि अब पशुपति पारस चाचा से बदला ले रहे हैं और चाचा के दफ्तर को और जो बंगला है उसे खाली करवा रहे हैं। अब क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ इस विवाद के बीच में और निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चाचा और भतीजे की लड़ाई है वो सड़क पर एक बार फिर से आ रही है और अब चाचा की बारी है। तमाम मुद्दों पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। हम सीधा सर से जुड़ते हैं। सर, अब आप लोगों की बारी है, चाचा के साथ बदला लिया जा रहा है? ना ना विकास भाई, बदला तो बहुत एक मजबूत शब्द हो जाता है। अच्छा बताइए, वास्तविक रूप से बंगला हो चाहे सिंबल हो, जो झोपड़ी बंगला मिला था हमें, वो तो हमारा ही था ना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का था। जो ऑफिस आप फर्स्ट वन व्हीलर रोड का देख रहे हैं, तो जब हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी जिंदा थे तब आवंटित किया गया था। उसके बाद षड्यंत्र रच के उस बंगले को हथिया लिया गया था और इलेक्शन सिंबल जो अभी इलेक्शन कमीशन के पास है वहां पे फ्रीज कर दिया गया था। तो पहली बात तो है कि हम बदला नहीं ले रहे हैं। दूसरा ये आता है कि 2019 के बाद उन्होंने लीज जो अपना एग्रीमेंट था भवन निर्माण निर्माण भवन के साथ, उसको उन्हें बढ़ाया नहीं, रेंट नहीं दिया था, तो इसलिए उसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो ये कहना कि हम लोग बदला निकाल रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वो दोनों चीजें हमारी हैं। हमें ये नहीं मालूम है कि हमने अभी तक दावा ठोका है कि नहीं ठोका है। अगर ठोका है तो बहुत बढ़िया है, ना ठोका है तो हमें ठोकना जरूर चाहिए, क्योंकि जो हमारी चीजें हैं हम उसको लेके रहेंगे जी। लेकिन सर, सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, आप कह रहे हैं कि हमारी चीज है, हम लेकर रहेंगे, हम दावा ठोकेंगे। सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि 2019 का मामला है, 2019 से पेमेंट नहीं हो रहा था, 2019 से इतनी लंबी समय क्यों लग गई भवन निर्माण को एक्शन लेने में, जब चिराग पासवान पावर में आते हैं, मंत्री बनते हैं, उसी के बाद एक्शन। विकास भाई, दो चीजों को हम लोग मिलाए नहीं, चिराग पासवान जी का केंद्रीय मंत्री बनना और ये भवन का, ये जो ऑफिस है उसका जो लीज है खारिज होना। भाई मुझे लगता है कि भवन निर्माण ने उनको समय दिया होगा कि आप जो चीज अपने लीज का रिन्यूअल करा लें या जो किराया उसको जमा कर दीजिए। अगर आपने उसको अनदेखा किया तो समय देने के बाद, जिसको कि हम लोग ग्रेस पीरियड कहते हैं, उसके बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया, तो इसमें हमारा रोल नहीं है। लेकिन हम फिर से दोहराएंगे कि अगर गिवन अ चांस कि हमें वो वन व्हीलर रोड वाला जो हमारा जो ऑफिस था वो हमें मिले, तो उससे हमारा दावा बिल्कुल कायम रहेगा और हम उसको लेना जरूर चाहेंगे। मतलब ऑफिस के बहाने ही विनीत जी माना जाए कि चाचा और भतीजे के बीच में जो दूरी है एक बार फिर से बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से चाचा पशुपति पारस ने खुद चिराग पासवान को सड़क पर लाकर छोड़ा था, वो तस्वीर सबने देखा था, जब रामविलास पासवान जी की जो तस्वीर थी वो सड़क पर फेंकी हुई थी, चिराग पासवान जी उसे गले से लगाकर सड़क पर बैठे हुए थे, अब उसके बाद पशुपति पारस की ये बारी है? नहीं नहीं, किसी ने पार्टी तोड़ा और किसी ने परिवार तोड़ा, हमें मौका मिला, हमने उस विपत्ति को एक अवसर में बदला, हम जनता के बीच गए, जनता ने हमें प्रेम दिया, प्यार दिया और आप नतीजा देख रहे हैं कि पांचों सीट पर लड़े, पांचों सीट हम जीत गए। यहाँ तक बात रही है कि फोटो निकाल दिया गया, तो जब समय पूरा हो गया, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हमने भी इस चीज को भुगता है कि अगर आपका समय पूरा हो जाएगा तो भाई आपको सामान सहित छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कोई ये कहे कि हम बदला ले रहे हैं पशुपति पारस जी से, ये मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी, गलती होगी इस बात में। लेकिन मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा कि अगर हमें मौका मिले तो हम उस कार्यालय को हम लेना जरूर चाहेंगे, कार्यालय को लेना जरूर चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त कुछ नजदीकियां बन रही थी भतीजे में और चाचा में, तो क्या ऑफिस पे जब आप लोग दावा ठोकेंगे तो नजदीकियां फिर दूरी नहीं बनेगी? एक बार फिर जो लड़ाई सामने आ रही थी वो लड़ाई और काफी दूर नहीं हो जाएगा परिवार?
देखिए, जब ऑफिशियल चीज की बात होती है तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत चीज होता है ना, वो पीछे आ जाता है। जैसे हमारे नेता कहते रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने कई बार कहा है कि अब उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है, पानी बहुत बह गया गंगा में, ये शब्द मैं जोर देता हूँ, कि समय काफी निकल गया है, चाचा जी ने जो करना था वो कर दिया, जनता ने हमें प्रेम दिया, हमें जिताया, अब हमारा जो काम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलके उनको मजबूती प्रदान करना और ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बनना। हम चाचा जी के बारे में, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि अब तक वो पार्टी जीवित है, मुझे लग रहा था कि पार्टी शायद खत्म हो गई है, फिर कहीं उनके नेता किसी और पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। खैर, उनकी पार्टी है वो समझे, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक नजदीकियां की बात रही है सर, तो मैं एक बार बता दूं कि जब आपने हमें विपत्ति में छोड़ा था तो हमारे अब सुख में आप हमारे पास नहीं आ सकते। हालांकि ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, लेकिन एक आम कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहूंगा कि समय काफी बीत चुका है, हमारा कार्य किसी ध्यान जो है किसी और कार्य पे है, ना कि उस परिवार के विवाद में। जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी समाप्त हो चुका है, जीवित नहीं है पार्टी, तो ये मान लिया जाए कि प्रिंस राज जो चिराग पासवान के भाई हैं, काफी करीबी माने जाते थे, ऐसे कई तस्वीरें हैं जब दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर संसद तक जाते थे, तो क्या उनका करियर पर भी चिराग पासवान फुल स्टॉप लगा देंगे, या भाई के नाते एक जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें अपने पार्टी में लेंगे? देखिए, मैं फिर उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ये सब निर्णय जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन खंजर लेके अगर आप गले मिलते हैं तो व्यक्ति खंजर से वार ही करता है। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जिसके बारे में हम ही नहीं जानते, आप भी जानते हैं, पूरी जनता भी जानती है बिहार की, उनको पार्टी में लेना है, उनके साथ क्या करना है, हालांकि वो हमारे पार्टी में नहीं है, उस पार्टी में है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, इस पे हम और आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि अभी हमारा ध्यान, हमारे नेता का, हमारे पार्टी का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं है, काफी पहले हमने ध्यान देना बंद कर दिया है, अब सोच आगे की है। अगर अगर प्रिंस राज आते हैं तो क्या आपका संसदीय बोर्ड इस पर मोहर लगाएगी, उन्हें पार्टी में शामिल करेगी? क्योंकि चिराग पासवान जो भी काम करते हैं वो कहते हैं कि हमारा बोर्ड है, हम लोग बैठेंगे, मीटिंग होता है, उसके बाद मोहर लगता है और वही फैसला हम स्वीकार करते हैं, तो क्या ऐसा देखने को मिल सकता है भविष्य में? क्योंकि 2025 का चुनाव भी सामने है, इधर ऑफिस पर आप लोग बोल रहे हैं कि हम दावा ठोकेंगे, लेकिन प्रिंस राज पर कोई बात नहीं हो पा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है विकास भाई, कि एक प्रोसेस है हमारी पार्टी में, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संसदीय बोर्ड हर चीज का निर्णय लेता है, फिर अपना वो निर्णय केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजता है, फिर से निर्णय लिया जाता है, सबको मिलजुल कर लेता है। जहां तक बात रही है प्रिंस राज की, मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा कि उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना ही संसदीय बोर्ड इस मुद्दे पे कभी बैठा है, कभी मीटिंग हुई है, क्योंकि हमने कहा कि हम उस बारे में अभी सोच ही नहीं रहे, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो आपने सवाल पूछ लिया इसलिए बोलना पड़ता है। जी, हमारा काम आगे है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर काम करने वाली बात है। मतलब 2025 में मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान तो नजर आएंगे मोदी जी के साथ में, लेकिन संशय बना हुआ है कि चाचा और जो प्रिंस राज हैं वो आउट हो जाएंगे, उसके बारे में निर्णय मोदी जी, बीजेपी सबसे बड़ी घटक दल है, वो लेगी। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमने आपको बता दिया। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि 2025 में लोजपा, मैं लोजपा की बात कर रहा हूँ, मैं रामविलास की बात नहीं कर रहा हूँ, लोजपा हमारी जो पार्टी है वो एक बहुत मजबूत घटक दल बन के उभरेगी। और देखिएगा बिहार में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि 5 सीट में 5 जीता है हमने, तो जितना ज्यादा सीट हमें दीजिएगा उतना सीट जीतने के हम काबिल हैं। लेकिन विनीत जी, आप कह रहे हैं लोजपा, लेकिन आपका पार्टी इस वक्त रामविलास के नाम से जानी जाती है, लेकिन आप सीधा लोजपा पे दावा ठोक रहे हैं, वैसे में पशुपति पारस और प्रिंस राज कहाँ रहे, वो तो खत्म हो गए आपका इस दावे के बाद। देखिए, सीधा सा बात है, ये नाम और इलेक्शन सिंबल अब इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमीशन कुछ मानकों पर निर्णय लेगा अपना, वो मानक क्या होते हैं कि किसके पास ज्यादा सांसद है, विधायक है, किसके पास जितना ज्यादा समर्थक है। अभी फिलहाल जो आज का संदर्भ है उसमें हमारे पास, अगर उस पार्टी की बात करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो ऐसा देखा जाए तो उस मानक पर हम खड़े उतरते हैं, तो पार्टी का नाम और सिंबल ये हमारा होगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल में चीजें काफी बदलेगी। मतलब ये मान लिया जाए कि 2025 का चुनाव चिराग पासवान अपने पुराने छाप जो बंगला था उस पर लड़ेंगे और नाम भी उनको मिल जाएगी, मैं इसके प्रति आशान्वित हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये अहम जानकारी देने के लिए।